वेलकम टू ईबीसी चैनल। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके प्रकार। सबसे पहले परिभाषा। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, मैं, तुम, हम आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं सोने जा रहा हूँ, मतलब वक्ता है ये, तुम भी चलो श्रोता, वह भी सोने जा रहा है, मतलब तीसरा व्यक्ति। इनमें मैं, तुम, वह तीनों क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, इसमें मैं, मेरा, हम, हमारा। दूसरा मध्यम पुरुष, तुम, तू, तुम्हारा, तेरा, आपका। और सबसे अंत में है अन्य पुरुष, यह, वह, ये, वे। अब नंबर 2 पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बारे में निश्चित रूप से बताते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह मोनिका की साइकिल है, वह राजू की कार है। इसमें यह, वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें निश्चय हो रहा है कि यह मेरा घर है, वह राजू की कार है, वह मोनिका की साइकिल है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बारे में निश्चित रूप से नहीं बताते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई खेल रहा है, कौन खेल रहा है नहीं पता ना, दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है। इसमें कोई, कुछ दोनों क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने लाल साड़ी पहनी है वह मेरी मम्मी है। इसमें जिसने और वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जैसा और वैसा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, यह थैला किसका है। इसमें क्या और किसका क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना गृह कार्य अपने आप करूंगा, तो अपने आप क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। मैं उसके घर खुद जाऊंगा, खुद क्या है इसमें? निजवाचक सर्वनाम। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।